बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया पचास प्रतिशत युवाओं को टिकट देगी बीएसपी बड़ी खबर आपको बता रही है भीम आर्मी के बहकावे में नहीं आएंगे दलित सतीश चंद्र मिश्रा का यह कहना है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं हमें देखकर विपक्ष ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को हाशिए पर रखा है नमस्कार जी हिंदुस्तान पर इस वक्त आप सभी के साथ मैं हूं प्रिया सिंह और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी हिंदुस्तान पर धन्यवाद देखिए माहौल और मौसम दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव है चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और एक महीने के बाद ठीक दस तारीख से यानी कि 10 फरवरी से पहले चरण के लिए मतदान शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे लेकिन इन सबके बीच में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के बड़ा आश्वस्त है और उस पार्टी के महासचिव इस वक्त हमारे साथ हैं जो 2007 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ एक लंबे अरसे के बाद कोई पार्टी थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आई सत्तासीन हुई और तमाम विकास के जो वादे किए थे उसको पूरा भी करके दिखाया लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस पार्टी से मुंह मोड़ लिया इन सब पे तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतीश जी जुड़ चुके हैं सतीश जी सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त जो चुनावी माहौल है वो पूरा अब डिजिटल मोड पे हम चले गए हैं और खास करके इस कोविड के दौर में कोरोना के दौर में इन सब के बीच में ओपोजिशन का ये कहना है सत्ता पक्ष का भी ये कहना है तमाम पार्टियों का कहना है कि आप लोगों ने शायद पहले ही हार मान ली है इसीलिए हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह आप लोग नहीं दिख रहे उतने जोर शोर से यह कहा था कि चुनाव नजदीक आने दीजिए तब हम पूरी ताकत के साथ जमीन पे उतरेंगे मायावती जी ने लेकिन अब तो डेट भी अनाउंस हो गए ऐसे देखिए ये जो अपोजिशन है उनका तो अपोजिशन का ये काम ही यही है कि इस तरह का बातें भ्रम गलत बातें करने का ये उनका ये काम ही है और आपने ये देखा होगा कि जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी है हमने 23 जुलाई से जब अपनी शुरू की थी मीटिंग्स की थी अयोध्या से शुरू की थी तो सबसे पहली पार्टी जो थी वो बहुजन समाज पार्टी थी इसने पॉलिटिकल मीटिंग करना शुरू किया तब तो लोग कोरोना की वजह से घरों में छिपे बैठे हुए थे ये अपोजिशन वाले भी छिपे बैठे हुए थे उसके काफ़ी दिनों बाद जब हम पूरे हर ज़िले में घूम के आ गए पचहत्तर जिलों में जा कर के हमने प्रबुद्ध सम्मेलन किए जहाँ पर कि हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हर वर्ग के आए ब्राह्मण समाज के सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुए और उसके बाद जब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आने लगी तब ये मैदान में निकले और इन्होंने कहा हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे कितने दिन प्रबुद्ध सम्मेलन कर पाइए पाँच दिन एक पार्टी ने किए दस दिन दूसरी पार्टी ने किए क्योंकि उनके यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन में कोई आया ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी में और जो इनकी मीटिंग्स थी ब्राह्मण समाज जिसको लेके आना चाहते थे तो वो पंद्रह और बीस इकट्ठा हुए तो इन्होंने गिव अप कर दिया अब गिव अप करने के बाद जब हमने पूरा यूपी कर लिया उसके बाद आप लोग ये कहना कि बहन मायाती जी बहन मायाती जी सात सितम्बर को जब हमारी आखिरी मीटिंग थी लखनऊ में जो कि पचहत्तरवीं थी तो उसमें बहन मायती जी स्वयंई थी और उन्होंने आके बीसियों हज़ार लोगों को उन्होंने एड्रेस किया था एड्रेस करने के बाद उन्होंने जो संदेश भेजना था वो भेजने का काम किया था उसके बाद फिर वो दोबारा नौ अक्टूबर को पाँच लाख से ज़्यादा पाँच लाख आदमी इन इनसे पूछिए जितनी बैठकें जितनी मीटिंगें इन्होंने करी हैं मिला लें सबके तब भी पाँच लाख नज़र नहीं आएंगे जितने बहन मायती जी ने पाँच लाख लोगों को एड्रेस करके और लखनऊ में मीटिंग करी जिसमें कि लगभग एक घंटे उन्होंने जो बातें कहनी थी कर दी थी अपनी उसके बाद दोबारा से हम लोग मैदान में निकले हम रिज़र्व सीटों पर गए रिज़र्व सीटों में फिर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए वो क्या कर रहे हैं वो कैसे सोच रहे हैं वो सरकारी मीटिंगें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है जितने पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बैठकें दिखा रहे हैं मैं बड़ी बैठकें कर रहा हूँ कौन सी बैठक की उन्होंने उन्होंने एक भी पॉलिटिकल मीटिंग की हो तो बताइए उन्होंने तो सड़क के किनारे किनारे जो विश्वास यात्रा निकाली थी वो तो फ्लॉप हो गई 100 परसेंट उसमें तो 50 आदमी नहीं इकट्ठा होते थे उन्होंने जितनी मीटिंग करी वो सरकारी धन का इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं को लेकर के जो पब्लिक को भ्रमित करने के लिए उसमें लाखों रुपया पब्लिक का इस्तेमाल करके अपनी बैठकें करी मीटिंग करी उसमें सरकारी बात रखने की जगह उन्होंने वोट मांगने का काम किया जिस प्रबुद्धजन सम्मेलन की शुरुआत आपने की थी और आपने कहा कि उसके बाद तमाम पार्टियों को उस समाज की याद भी आ गई अब हर किसी के सपने में किसी के सपने में आ रहे हैं श्रीकृष्ण और ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए आपको साक्षात हमने दर्शन दिया है और आप आपकी जीत जो है वो तय है कोई राम कोई परशुराम के सहारे सहारे इस वक्त चुनावी मैदान में है इन सब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और उस प्रबुद्ध जन पे भी ये सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी क्योंकि वो जो 16 से 18 प्रति, प्रतिशत तक का वो जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत बड़ी अपनी हिस्सेदारी आ, रखता है किसी भी पार्टी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाने के लिए और दो में उसका समर्थन आपको मिला था और ये समाज ऐसा है जो हर बार कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहता है तो इस बार ये समाज किसके साथ देखिए, जैसा मैंने कहा कि 75 जिलों में जब हम घूमे तो ब्राह्मण समाज के ही बीच में घूमे थे और उनके अनुरोध पे ही हम उनके बीच में आए थे और जब हम उनके सामने आए उनके साथ में रहे घूमे और हमने जो मीटिंगें करी थी कोई हेलीकॉप्टर से नहीं करी थी हमने गाड़ी से जाके की थी रात में वहाँ विश्राम भी करते थे वहीं रुकते थे उनके साथ में जिस तरीके से 2007 में ब्राह्मण समाज हमारे साथ में जुड़ा था मैं दावे के साथ कह, कह सकता हूँ अब की बार उससे कहीं ज़्यादा ताकत से वो हमारे साथ में जुड़ रहा है और जुड़ करके वो सरकार बनाना चाहता है क्योंकि उसने सभी को देख लिया उसने समाजवादी पार्टी को देखा ही किस तरह से उसने ब्राह्मण समाज का आ, आ, के, के साथ में उन्होंने अत्याचार किए थे किस तरह से उनकी इंसल्ट करते रहते थे और किस तरह से उनको एक हाशिए में रखने का काम किया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई राम का मुखौटा पहनने का धर्म का मुखौटा लेकर के भगवान राम को भगवान से हटा करके उतार के एक वोट की वस्तु बनाने का काम किया जो कि ब्राह्मण समाज कभी भी नहीं इसको स्वीकार कर सकता हर मंदिरों का, का मंद... देखिये राम हो रहा राम विश्वनाथ राम, राम देखिये ये सारी चीजें जो हैं ये आप वहाँ मंदिरों का विध्वंस कर रहे हैं आप काशी विश्वनाथ जी में जाइए आप विन्धवासनी जी में जाइए वहाँ पर विध्वंस करके मंदिरों को तोड़ करके और आप उसको पर्यटक स्थल बनाने की बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज जितने मंदिरों में थे उन मंदिरों को कब्जा करने की बात आज हो रही है उनके ऊपर उन कितने पंडितों की हत्याएं हो गई जो मंदिरों में थे पाँच सौ लोग ब्राह्मण समाज के लोग की हत्या हो गई इस पाँच साल में एक से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए और ब्राह्मण समाज अब किस किस वजह से इनके साथ में जाएगा आपने राम मंदिर बनाने की बात कही थी तीन साल हो रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हुए आपने अभी न्यू तक तो बनाई नहीं मंदिर क्या बनाएंगे आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो बहुजन समाज पार्टी को 2007 से ज्यादा वोटों को से और सीटों से आपकी और देकर के सरकार बनवा इस बार भीम आर्मी भी चुनावी मैदान में है वो भी इस समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ऐलान भी करने वाले हैं कि किस पार्टी के साथ वो गठबंधन से चुनाव मैदान

सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने सबने छोड़ करके के और उनका असली चेहरा पहचानते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है बहुजन समाज पार्टी हमारी मीटिंगों में आकर के ज्वाइन किया उन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग सब मिल के बहन मायाती जी के हाथ मजबूत करेंगे हम लोग इस षडयंत्र को जो दूसरी पार्टियों ने रचने की कोशिश की वो हमारे सामने आ चुका है किसी भी हम किसी के उसमें बहकावे में आने वाले नहीं हैं और जितनी मजबूती से पहले जुड़े हुए थे आज उससे ज़्यादा जुड़ रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि बहन मायती जी ने पचास प्रतिशत नौजवानों को महिलाओं को लड़कियों को अपने हर स्तर में पार्टी के ऊपर से नीचे तक के स्तर में और चुनाव के मैदान में भी 50 प्रतिशत नौजवानों को उन्होंने उतारने का यंगस्टर्स को उतारने का उन्होंने जो मन बनाया उसको अमली जामा भी पहना रही हैं और वो आपको सामने नजर भी आ जाएगा और ये भी दिख जाएगा कि जितनी मजबूती से पहले ये लोग थे उससे कहीं ज्यादा मजबूती से बहन माती जी के साथ खड़े हैं बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव टू हंड्रेड ठीक है यूथ एक ऐसा चेहरा है जो तमाम पार्टियों के पास भी है और अखिलेश यादव भी एक तरफ कांग्रेस भी एक तरफ इस चेहरे को लेकर के आगे बढ़ रही है प्रियंका गांधी को उन्होंने आगे किया है अखिलेश यादव ने खुद कुनबा संभाला है योगी आदित्यनाथ है बीएसपी की जब हम बात करते हैं तो पहले एक नाम था आकाश आनंद जी का और अब आपके खुद के बेटे हैं कपिल मिश्रा जो मंच पे नजर नहीं आते हैं लेकिन ऑफ कैमरा हर जगह नजर आते हैं बड़े एक्टिव है वो यूथ के बीच में भी वो काफी ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं पसंद लोग उन्हें भी कर रहे हैं तो क्या इस चुनाव में या फिर इसके बाद उन्हें औपचारिक तौर से आप चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन कभी भी उन दोनों को इन दोनों जो बीएसपी के यूथ हैं, उनको एक साथ मंच पर अभी तक देखा नहीं गया दे, पैरल नहीं नहीं आप भी शायद ट्विटर में फोटो नहीं देखी दोनों एक साथ भी थे दिखे थे एक सबसे शुरुआत जब की तो एक साथ होकर के करी आकाश आनंद जी वो मोर्चा संभाले हुए यूथ का वो वो पंजाब भी गए उत्तराखंड भी जा रहे हैं दिल्ली में भी देख रहे हैं यूपी में उत्तर कपिल मिश्रा, मिश्रा यूपी में खाली मंच में भी दिखे और खाली यूथ नहीं आप महिलाओं को देखिए महिलाओं की सभाएं देखिए किस तरह से हो रही हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हमारी पत्नी कल्पना मिश्रा वो खुद ही उन्होंने कितनी मीटिंगें कर डाली अब तक दसियों से ज़्यादा बैठकें तो उनकी हो गई बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई क्योंकि अब चाहे यूथ हो महिला हो बुज़ुर्ग हो जो भी लोग हैं चाहे वो आम के में चाहे हिंदू हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों चाहे बेरोजगार लोग हों चाहे किसान हों चाहे मजदूर हों चाहे जो जो बाहर चले गए हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के मजबूरी में वो लोग हों ये सारे लोग जान रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक तरफ़ बहन माहती जी ने 2007 से 12 में 17 वर्षों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी उन्होंने चलाने का काम किया था उसके बाद अच्छी बात है कि पाँच साल उनको भी देख लिया पाँच साल इनको भी देख लिया अब उनको पता लग गया फ़र्क भी क्या है कि एक वो सरकार थी और एक ये दोनों की सरकार है खाली रोको और ठोंको की नीति से काम नहीं चलता है कि रोक दो और ठोंक दो तो वो आ, उसका जवाब तो अब आ, जनता देगी ना बटन दबा करके ठोंकने का